हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पास्ट टेंस के बारे में। पिछली जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसके बीच में अपने टेंस के बारे में देख लिया है, उसके बीच में अपने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है, कंटिन्यूअस टेंस होता है, कब कौन से टेंस का यूज किया जाता है, सारी की सारी अपने डिटेल देख चुके हैं। पिछली अगर वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर जरूर देखना ताकि आपको समझ में आए। तो आज का जो हमारा टेंस है वो है पास्ट सिंपल टेंस, जिसके बीच में अपने को नॉर्मली पता है कि वाज वर का यूज होता है या फिर अपने कह सकते हैं वर्ब की सेकंड का यूज होगा। अब इसमें सबसे पहले ये कहा है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी इवेंट जो क्या पास्ट में हो चुका है और नॉट कनेक्टेड विद द प्रेजेंट, और वो प्रेजेंट से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने 2004 में एक बुक लिखी थी, ठीक है, तो आई रोट ए बुक इन 2004, ठीक है, कि मैंने एक बुक लिखी थी कब, 2004 में। तो इसमें कंप्लीट सेंस आ गया कि पता है कि 2004 में लिखी है तो पहले की बात ही है, आज की बात ये नहीं कर। जैसे वी वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे, कि मैं कहाँ पे जा चुका हूँ, कल सिनेमा जा चुका हूँ, आज से कोई मतलब नहीं है, कल हो चुकी है। रमन जो है वो जयपुर में 8 साल से रह रहा था, अब नहीं रह रहा, ठीक है, पहले रह रहा था, अब क्या है वो वहाँ पे नहीं रह रहा। ऐसे अगला आता है जैसे इट इज यूज्ड when two action take place one after one, मतलब कि भूतकाल में, जैसे मैं एक कमरे में गया था और बेड पर सो गया, तो दोनों की दोनों बातें क्या हो रही हैं, पास्ट में हो रही हैं, कि कल की बात ही कर रहा है। जैसे मैं कमरे में गया था और मैं बेड पर सो गया, कल की बात, यह आज से कोई लेना देना नहीं है, और दोनों के दोनों क्या काम एक साथ हो रहे हैं, कमरे में जाना और बेड पर सोना। द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, टीचर क्लासरूम में एंटर हुआ और उसने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, बीच में कोई भी टाइम की लिमिट नहीं आ रही है या टाइम को शो नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसे अगर अपने नीचे चलें तो अगला है हैबिचुअल एक्टिविटी, जैसे कोई पास्ट की एक्टिविटी, ठीक है, जैसे ही वेंट टू द पिक्चर्स एवरी संडे, वो पिक्चर देखने के लिए जाया करता था हर संडे को, पहले जाया करता था, अब नहीं आता। He smoked daily. वो daily smoke करता था when in Bombay. जब वो क्या है बॉम्बे के अंदर था। इसमें used to और would का use भी कर सकते हैं, क्योंकि used to और would भी अपने को actual activity का show करते हैं। Actual activity मतलब जो अपनी past की अपनी ability है या अपने जो past की habit होती है उसको show करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे past progressive का use भी कर लिया करते हैं, जैसे जो भी काम मैं पहले कर चुका हूँ या क्या करता था। लास्ट ईयर आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट डेली, कि जो पिछले साल है तब तक मैं क्या किया करता था, डेली क्रिकेट खेला करता था। यहाँ पे पास्ट प्रोग्रेसिव का भी यूज हो जाता है, क्योंकि अपनी जो हैबिट है वो क्या है, टेम्पररी है, ठीक है। हैबिट जो होगी वो एक लंबे टाइम तक चलेगी, ना कि एक साल या 10 दिन या 7 दिन, इस तरीके से नहीं होगी, बहुत लंबे टाइम तक चली जाएगी। जब भी अपनी जो आदत है वो अस्थाई हो, मतलब टेम्पररी हो, ठीक है। जैसे इन मुंबई ही वाज ड्रिंकिंग डेली, जब वो मुंबई में था, अब अपने को पता तो नहीं है ना मुंबई में कितने दिन तक रुका है, ठीक है। अगर मुंबई में 10 दिन तक रुका है तो उसकी डेली आदत क्या थी, पीने की थी। तो ये क्या है, एक तरह से पास्ट प्रोग्रेसिव में आएगा, सिंपल पास्ट में नहीं आएगा। उसके बाद में जैसे नीचे देखें तो व्हेन एन एक्शन इन द पास्ट मे बी सीन एज हैविंग बीन टेक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड हैविंग बीन कंप्लीटेड, वी यूज द सिंपल टेंस। अगर कोई काम भूतकाल में एक समय से दूसरे समय तक चल रहा है, ठीक है, जैसे कोई भी काम है वो भूतकाल में कर रहा था और वो आगे भी चल रहा है और पूरा हो जाता है, मान लो कोई काम था यहाँ, ठीक है, 2024 से मैंने काम करना स्टार्ट किया और 2014 तक मैंने वो काम किया, अब वो खत्म हो चुका है, ठीक है, खत्म हो चुका है, तो अपने वहां पे किसका यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि मैं सिकर में रह रहा था 1966 से 1996, अब का टाइम क्या हूँ, 2000 का मान लो, ठीक है, मैं गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में पढ़ाता था कब से, 1990 से 2010 तक, अब नहीं पढ़ाता, पहली ही बात है तो अब नहीं पढ़ाता। उसके बाद में कह रहा है कि कुछ ऐसे टेंसेज होते हैं जिसके बीच, कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जिसके बीच में अपने को क्या है, कुछ इमेजिनेशन करनी पड़ती है, और इमेजिनेशन में हमेशा अपने ज़्यादातर वर या वुड का यूज करते हैं, ध्यान रखना पर या वुड का यूज करते हैं जब भी कभी इमेजिनेशन का सेंस आता है। जैसे इफ आई वर ए बर्ड, कि मैं क्या हूँ,
अगर मैं एक बर्ड होता तो ठीक है, इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, कि अगर मैं बर्ड होता तो मैं क्या करता, उड़ता। अब अपने को इतना तो अक्ल है कि मैं बर्ड हो ही नहीं सकता तो मैं उड़ता क्या। तो कभी भी इस तरह के जब भी कंडीशन वाले आ जाएं, तो इफ के बाद में यहाँ पे पास्ट टेंस आता है और इफ से पहले वाला टेंस जो है उसमें वुड का यूज किया जाता है। ये मैं आपको जो इफ कंडीशन वाले सेंटेंसेस है वो उस वीडियो में मैं करवा चुका हूँ कि इफ के बाद अगर हैड आता है या इफ के बाद सेकंड फॉर्म आती है तो इफ से पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, इफ मैन हैड विंग्स, अगर आदमी के पंख होते तो ही वुड फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पे हैड आ रहा है तो हैड यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाती है और यहाँ पे वुड का यूज हो जाता है। ऐसे अगर आपने नीचे की तरफ देखें तो कोई भी प्राचीन घटना जो पहले से घटित हो चुकी है, जैसे बाबर जीत चुका है ठीक है, चित्तौड़गढ़ को इसने बसाया था, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे क्या हैं, पास्ट टेंस पर यूज होते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैसे बाबर इन्वेडेड इंडिया, बाबर ने इंडिया पर क्या किया था, एक तरह से अपना अधिकार कर लिया था या हमला किया था। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस ने किसको डिस्कवर किया, अमेरिका को डिस्कवर किया किया था या है नहीं किया था। उसके बाद में आते हैं कुछ ऐसे 10 फ्रेजेस होते हैं जो कि अपने को डिजायरेबल और इमेजिनरेबल सिचुएशन दिखाते हैं। जैसे आई विश, मैं ये विश करता हूँ कि ही वर हियर, काश वो यहाँ पे होता। तो काश का जब भी सेंस आएगा तब भी अपने को किसका यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म मींस सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। जब भी कभी भी अपने को काश का सेंस आए, जैसे आई विश आई न्यू हिज नेम, आई विश आ गया यहाँ पे क्या, आई न्यू हिज नेम, नो न्यू नो ठीक है। उसके बाद में देखो, सपोजिंग वी लॉस्ट द मैच, इट इज टाइम वी वेंट होम, हमें घर पे जाना चाहिए, तो यहाँ पे सारों में पास्ट सिंपल टेंस का यूज हुआ। उसके बाद में अगर एज थो कैन बी फॉलोड बाय पास्ट टेंस विद द प्रेजेंट मीनिंग व्हेन वी टॉक अबाउट थिंग्स व्हिच वी नो आर नॉट ट्रू। अब कुछ ऐसी बातें जो कि अपने को ये लगे कि ये सच्ची हो ही नहीं सकती और इन वर्ड से जुड़ी हो, जैसे एज इफ से जुड़ी या एज थ्रो से। ही टॉक्स पे बात करता है एज थो ही वाज द सरपंच, जैसे कि वो क्या है, सरपंच है बट है नहीं। जब है नहीं ना, अपने को पता है कि वो हो ही नहीं सकता, वहां पे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, मतलब वाज का यूज होता है, वर्ब का यूज होगा। तो बाद में जैसे नीचे देखें तो ही टॉक्स एज इफ ही वर रिच, यहाँ पे तो इफ टेंस आ गया, यहाँ पे यही होता है कि जैसे इफ वाले क्लॉज में अब क्या है, दो तरीके लग गया। अब इफ वाले में एक बार तो ये होता है कि अगर इसके बाद में वर लगा हुआ है ठीक है या वाज लगा हुआ है, तो इफ से पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें वो क्लियर, एक तो अपने पास ये है। और ये एक फॉर्मल स्टाइल में है जिसमें क्या होता है कि अनरियल कंपैरिजन है, ये चीज हो ही नहीं सकती। क्या होता है कि ही टॉक्स, वह बोलता है एज इफ ही वर रिच, तो अपने को पता है कि वो बंदा रिच हो ही नहीं सकता, तब अपने क्या है पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। ही बिहेव, वह बिहेव करता है, अपने को पता है कि उसका बिहेव कैसे है, ही वर द मैनेजर, कि जैसे कि वो कोई हो मैनेजर हो बट है तो वो मैनेजर, तो अपने यहाँ पे क्या है पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।